आज देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, जो संविधान के तहत चुन के आए हुए गवर्नमेंट है उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। एमएलएज की खरीद और एमएलएज को लुभाया जा रहा है और तोड़फोड़ करके वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, खास करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिराने की ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर इस ढंग से मुल्क में ये चला, अब पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही उन्होंने किया और आज राजस्थान में कोशिश हो रही है, इसीलिए सभी लोग मिलके डट के लड़ना चाहिए और खासकर इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलके जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताएं कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पुरखों ने इस देश को आजादी दिलाई, सभी लोग फांसी पे चढ़ के इस देश को आजादी दिलाई और संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमको चलना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवित रखना है, इसीलिए हम सब लोग अपने हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए।